आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे एस्कॉर्ट्स के सितंबर बिक्री आंकड़ों की। ज्यादातर ऑटो कंपनियां सितंबर सेल्स में साल दर साल गिरावट देख रही हैं और एस्कॉर्ट्स ने करीब 2.25% ज्यादा ट्रैक्टर्स बेच लिए हैं। कंपनी के ट्रैक्टर एक्सपोर्ट में तो करीब 50-51% का इजाफा देखने को मिला है। इस पर चर्चा करेंगे, हमारे साथ एस्कॉर्ट्स के ग्रुप CFO भरत मदान साहब जुड़ रहे हैं। मिस्टर मदान, स्वागत है आपका, आपको बधाई इस मुश्किल माहौल में एक अच्छा बिजनेस करने के लिए। आगे का गाइडेंस आप क्या देना चाहेंगे? नहीं, अभी तो जैसे हमने देखा कि पिछले 2-3 महीने में आधे मानसून में काफी अच्छी रिकवरी रही है, तो ओवरऑल अभी डिस्ट्रीब्यूशन जो है रेनफॉल का भी काफी अच्छा रहा है। तो 2-3 जगह को छोड़ के जहाँ पे थोड़ा फ्लडिंग की सिचुएशन है, जैसे बिहार वगैरह जैसे एरिया में जहाँ थोड़ा प्रेशर है, बाकी हमें लगता है कि रिकवरी जो है डिटेल डिमांड काफी स्ट्रांग रहेगी अक्टूबर नवंबर आगे आने वाले महीनों में। तो हमें तो आगे काफी ऑप्टिमिस्टिक होप है अभी की आगे जाके डिमांड की जो रिकवरी होगी। जी मदान साहब, आपसे ये प्रश्न मानसून पर ही है। पिछले 25 साल का अगर आप आंकड़ा देखें तो 2019 में सबसे ज्यादा बारिश हुई है और कई इलाके ऐसे हैं फार्मलैंड जहां पर बिल्कुल ना बुआई हुई है और ना ही किसी तरह की फसल कट पाई है। आप किस हिसाब से अपना डिमांड प्रोजेक्शन कर रहे हैं आगे आने वाले 3-4 महीनों में, ये देखते हुए कि किसान परेशान है? देखिए, इस पर जैसे कि हमारा मानसून का सीजन था वो थोड़ा लेट शुरू हुआ था, तो जून के महीने में जो मानसून था इतना अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से सोइंग भी काफी डिले हो गई थी कुछ एरिया में। इसकी वजह से अभी जो हार्वेस्टिंग सीजन है वो भी थोड़ा डिले चल रहा है। तो जो नॉर्मल रिकवरी हमें देखने को मिलनी चाहिए थी अभी नवरात्रों में फॉर एग्जाम्पल, वो भी इतनी स्ट्रांग नहीं है जो हमें पहले उम्मीद थी। जो हार्वेस्टिंग थोड़ा डिले होगा तो परचेजिंग जो है डिमांड जो है कस्टमर के आगे पैसा भी हार्वेस्टिंग के बाद भी आएगा, सो इसी टूवर्ड द एंड ऑफ अक्टूबर महीने का नवंबर। बट उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये होगा कि जो सीजन हमें पहले लगता है अक्टूबर में खत्म हो सकता है वो आई थिंक आगे कंटिन्यू रहेगा, तो आई थिंक नवंबर और दिसंबर तक भी ये डिमांड जो सर रहेगा हमें देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल हमें उम्मीद है कि अगला जो क्वार्टर रहेगा आई थिंक ओवरऑल पिछले साल से कंपेयर करें तो 150 साल आए तो उसके कंपेरिजन में अगर फ्लैट क्वार्टर भी अगला रहता है तो बहुत अच्छा क्वार्टर होगा। तो पिछले 3 क्वार्टर का जो नेगेटिव इंडस्ट्री डीग्रोथ का ट्रेंड है वो आई थिंक रिवर्स होगा, तो इट विल बी वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट। और Q4 में जो कि बेस हमारा थोड़ा लो है तो उसमें इंडस्ट्री में हमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो आप ये कह रहे हैं पिछले साल का Q4 का बेस लो था, इस साल आपको उम्मीद है कि आपका ये जो क्वार्टर है पिछले 3 से बहुत बेहतरीन होगा। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा प्रश्न अब ये है, आपकी सेल्स टीम्स पूरे हिंदुस्तान में घूमती होंगी ट्रैक्टर्स को एडवर्टाइज करने के लिए, मार्केट करने के लिए। कौन से ऐसे जोन्स हैं, कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं देश के जहां से आपको डिमांड ज्यादा आती हुई दिख रही है? अभी ये लोन मेला भी चल रहा है, जितने PSU बैंक्स हैं वो 400 जिले में नए अपने लोन मेला लगा रहे हैं, क्या उम्मीद रखते हैं आप, कौन से एरियाज में सबसे ज्यादा डिमांड आएगी? देखिए, अभी तक का जो ट्रेंड रहा है वो टिपिकली नॉर्दर्न की जो मार्केट्स हैं अभी तक उन्होंने सबसे अच्छी ग्रोथ दिखाई है। अगर पिछले 6-8 महीने का ट्रेंड भी देखे तो जो डीग्रोथ से डायरे है वो डीग्रोथ तारीख साउथ की मार्केट में ज्यादा आई है, लेकिन नॉर्थ की मार्केट में डीग्रोथ इतनी नहीं आई है। तो हमारा भी क्योंकि जो मेजर मार्केट शेयर है वो नॉर्दर्न सेंट्रल इंडिया में ही है, तो इसलिए हमारे लिए ये काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट है। तो अभी हमने इस महीने भी जैसे बात करें पूरे क्वार्टर में, तो मार्केट जैसे हरियाणा, पंजाब, UP या राजस्थान की मार्केट है जहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला है। और MP जो अभी तक ग्रो कर रहा था अभी पिछले 2-3 महीने पहले तक, तो अभी थोड़ा उसमें थोड़ा रुकावट आई है बिकॉज वहाँ पे काफी एक्सेस क्लेम हुई है, तो उस चक्कर में थोड़ा फ्लडिंग की सिचुएशन है वहाँ पे, कुछ स्टेट जैसे बिहार वगैरह है, तो वहाँ पे थोड़ा ग्रोथ जो है थोड़ा रुक के आएगी। बट आगे 2 सीजन अभी इन मार्केट में भी काफी स्ट्रांग देखने को मिलेंगे। मदान साहब, एक अगर हम आपसे ये अंदाजा लें किस तरह के डिस्काउंट या ऑफर्स आपने दिए हैं इस बार, काफी सारे ऑटो कंपनीज की ओर से एक से एक ऑफर्स निकलकर सामने आ रहे हैं। नहीं, जो नॉर्मल हमारे ऑफर फेस्टिव सीजन में रहते हैं नहीं वही ऑफर है, तो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिस्काउंटिंग इस बार नहीं है, कोई ट्रेंड जो देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल हमारे जो पिछले फेस्टिव सीजन में भी जैसे डिस्काउंटिंग स्कीम थी या इंसेंटिव स्कीम थी, तो नॉर्मल कस्टमर के एक एक्सपेक्टेशन होती है फेस्टिव सीजन में एक बाइंग होती है कि कुछ एडिशनल कुछ इंसेंटिव देखने को मिलेंगे, तो आने को नॉर्मल लेवल जो पिछले साल था वो इस साल भी है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिस्काउंटिंग कभी नहीं हुई है। हाँ, जैसे कि कमोडिटी प्राइस वगैरह पे अभी थोड़ा जो सॉफ्ट होने हैं तो उसमें हो सकता है कि आगे चलते अगर कंपटीशन से हमें कुछ कमोडिटी प्राइसेस की मार्केट में पोषण करने का कुछ देखने को मिले ऐसा इंसेंटिव स्कीम्स में, तो उसके बेस पे हम भी अपना एटीट्यूड ऐसे वेटिंग वॉच का रख रहे हैं। तो अगर ऐसा भी देखने को मिलेगा तो रेगुलरली हम उस टाइम डेफिनेटली कॉल लेंगे कि उसका आगे पोषण किया जाए या रिटेन किया जाए।
बहुत बहुत शुक्रिया मदान साहब आपका, और एक बार फिर से बधाई काफी शानदार बिक्री के आंकड़े पेश करने के लिए। स्कॉट्स मुश्किल बाजार में भी बेहतर परफॉर्म करने वाली कंपनी इस समय आपके सामने, और आज हालांकि थोड़ी मुनाफा वसूली हो रही है, लेकिन ध्यान रखिए पिछले सेशन में जब पूरा बाजार कमजोर था, यह स्टॉक 5% ऊपर था इन आंकड़ों को देखते हुए, तो अभी भी 3% नेट नेट दो दिनों में इसने कमाया है जबकि बाजार गिरा है। वक्त है